नक्सलियों के आतंक के लिए जाना जाने वाला दंतेवाड़ा अब सशक्त दंतेवाड़ा के नाम से जाना जा रहा है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 साल से ठीक तरह से पढ़ाई से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए जिले में ई लाइब्रेरी शुरू की गई है, जहां एक प्लेटफॉर्म पर 209 लाइब्रेरी को जोड़ा गया है। इस लाइब्रेरी में 1,15,799 किताबें व बच्चों के पाठ्यक्रम हैं। सशक्त दंतेवाड़ा की वेबसाइट बनाई गई है, जिसके माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों की लाइब्रेरी को जोड़ा गया है। जिले में जो हमारे स्कूल्स में जो लाइब्रेरी है, विभिन्न स्कूल्स में लाइब्रेरी उपलब्ध है और जो शासन प्रशासन द्वारा संचालित लाइब्रेरी है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आकर सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे कि 209 लाइब्रेरी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है। सशक्त दंतेवाड़ा अभियान की शुरुआत इसके माध्यम से की गई है, जिसमें कि युवाओं को बेहतर से बेहतर पुस्तक और कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल पाए। और ये एक करियर काउंसलिंग का भी प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि लोगों को रोजगार के लिए क्या अवसर उपलब्ध है वो जानकारी मिलती है। साथ ही उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होगी पढ़ने के लिए, वो जानकारी मिलती है। अब तक ऑनलाइन लाइब्रेरी में 23,921 लोगों ने अपना पंजीयन करवाया है, जिससे इसका फायदा उन्हें मिलने भी लगा है। ऑनलाइन लाइब्रेरी के जरिए छात्र घर बैठे किताबें पढ़ने के साथ ही किताबें मंगा भी सकते हैं। छात्रों को कम रेट पर किताबें पढ़ने के लिए दी जा रही है। इस कोरोना काल में हमारे जिला प्रशासन के जो कलेक्टर महोदय, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि शिक्षा से जोड़ के रखने के लिए जो ई लाइब्रेरी जो खुला है, वो निसंदेह ही हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा और हमारे बच्चे इसका उपयोग भी कर रहे हैं। जहाँ पर बुक्स वहाँ पे नहीं है उपलब्ध, वो दूसरे जगह से डिमांड से मंगा रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरी के साथ ही जिले में पुस्तक महादान अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि उनके घरों में जो भी पुरानी किताबें हैं, वे इस अभियान के तहत दान कर सकते हैं। दान में मिली इन किताबों को लाइब्रेरी में रखा जाएगा, जिसका लाभ छात्र और युवा उठा सकेंगे। मुकेश श्रीवास, ईटीवी भारत, दंतेवाड़ा।